हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा ब्लॉग टू एम पर। गाइस, आज हम बहुत अमेजिंग अमेजिंग ट्रिक एंड ट्रिक्स लेकर आ गए हैं, यानी यूनिक ट्रिक एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। तो चलिए देख लेते हैं गाइस। आज की ट्रिक एंड ट्रिक्स ऐसी हैं कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत अमेजिंग। यानी एक पॉलीथीन से हम बहुत सारे बर्तन वॉश करके रखेंगे, मतलब धुल कर रखेंगे, और हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से पॉलीथीन लेंगे और इससे हम हाथ भी नहीं लगाएंगे और हम सारे के सारे बर्तन, ढेर सारे बर्तन, थोड़े बहुत नहीं, ढेर सारे बर्तन धो करके रखेंगे और आपके हाथ को भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहली ट्रिक हमारी सूजी से रिलेटेड है। देखिए, सूजी हमारी थोड़ी सी रह गई थी, लेकिन हमने सोचा चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। यानी एक बार सूजी मंगा कर हमने रखी थी, उसको ट्राई किया, उसके बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो सूजी आप मंगा लीजिए, जितना भी आप मंगानी चाहते हैं। इस समय क्या होता है, गर्मियों में सूजी बहुत जल्दी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, रूनी लग जाती है। उसमें क्या करेंगे, चुटकी भर हल्दी लेंगे और पूरी सूजी में डाल देंगे, या सूजी की क्वांटिटी के हिसाब से आप हल्दी लीजिए और डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए। हल्दी एंटीबायोटिक गुण होते हैं हल्दी में, तो उसकी वजह से कीड़े नहीं लगेंगे। नहीं अगर हल्दी डालना चाहते हैं तो आप चुटकी भर नमक डाल दीजिए। देखिए, हमारी सूजी बहुत थोड़ी सी है, इसलिए हमने चुटकी भर नमक डाला है। ठीक है, आप ज़्यादा सूजी लेते हैं तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं सूजी में नमक। देखिए, नमक डालने से ये फ़ायदा होगा, आप चाहे नमकीन चीज़ बनाएं या मीठी चीज़ बनाएं, दोनों ही चीज़ों में फ़ायदा है। क्योंकि मीठा जब हम कुछ बनाते हैं ना, तो उसमें चुटकी भर नमक ज़रूर डालते हैं, वो टेस्ट बढ़ा देता है हमारी मिठाई का। और अगर हल्दी डालते हो, तो आप अगर बिना कलर का कुछ बनाना चाहते हो, तो आप हल्दी उसमें थोड़ा सा, मतलब सब सूजी में कलर आ जाएगा हल्दी का। इस वजह से आप जैसा समझें उचित वैसा करें, चाहे हल्दी डाल दें, चाहे नमक डाल दें, कुछ भी ऐड कर दें, आपके सूजी में कीड़े नहीं पड़ेंगे और नमी भी नहीं आएगी। अगर आप फिर भी ये कुछ नहीं डालना चाहते, आप सूजी को हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा, रोस्ट करके रख लीजिएगा, आपके कीड़े कभी नहीं पड़ेंगे क्योंकि उसकी नमी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रिक में देखें, इस तरह से हमारी मैदा होता है, या आप आटा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मैदा है ये। ठीक है, तो आप मंगा के ज़्यादातर मैदा रख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैदे में हमारे कीड़े पड़ जाते हैं बहुत जल्दी, तो उसमें भी नमक डाल देना है। तो देखिए, मैदे में हमने सूजी की, मैदे के हिसाब से हमने नमक डाल दिया 1.5 स्पून। अगर आप मैदे, देखिए, और ये मैदा लगभग 3 kg मैदा है, 3 से 4 kg। अब आप खुद सोचिए, 3 से 4 kg मैदा में अगर 1 स्पून नमक पड़ भी जाता है तो पता नहीं चलेगा। अगर मैदे से चाहे मीठी चीज़ बनाएं, चाहे नमकीन चीज़ बनाएं, कुछ भी बनाएं, बहुत अच्छे से आप बना पाएंगी, आप देख सकती हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ट्रिक ये है, मैदा हो या आटा हो, उसको रखने का तरीका सबसे बेस्ट ये है कि आप अच्छे से हाथ से दबा दबा करके आटे को या मैदे को भरें, फिल करें, जिससे कि उसके अंदर एयर ना अंदर जा पाए। ये बहुत ज़रूरी ट्रिक है, एयर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये हमारी तीसरी ट्रिक है इसी की। अब नेक्स्ट ट्रिक में हम ये भी बताएंगे कि उसके आटे के या मैदे के ऊपर भी आपको इस तरह से ताज़े तेज पत्ते रख देने हैं। ताज़े तेज पत्ते का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप पेड़ से तोड़ कर ले आइए और वो रख दीजिए, ऐसा नहीं है। मतलब ये कि ताज़े पत्तों का मतलब यह है, सूखे हुए पत्ते हों मगर उन पत्तों में खुशबू खूब अच्छी सी होनी चाहिए, तब ये वर्क करेगी। अब इस तरह से आप क्या करेंगे, फैला देंगे तेज पत्ते और उसके ऊपर से ढक्कन को यानी कैप को लगा देंगे, और उसके बाद में आप रख लेंगे स्टोर करके। तो आपका जो मैदा है वो कभी ख़राब नहीं होगा, उसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा, यानी जो जाला जैसा लग जाता है ना आटे में, वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रिक में चलिए देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक में ये है कि कुकर हमारा गैस जब ख़त्म होने को होती है तो क्या होता है, कुकर काला पड़ने लगता है। गाइस, ये दादी नानी की ट्रिप है, क्योंकि पहले जब चूल्हे पर खाना बनता था तो वो लोग यही फॉलो करती थी, या तो राख मिट्टी कुछ लगाती थी, या फिर इस तरह से नमक को डाला थोड़ा सा अपने कुकर के ऊपर और इस तरह से लगा दिया पानी के साथ। अब देखिए, गैस पर हम रख रहे हैं, तो अभी देखिएगा ये हल्का सा गैस की जो रोशनी है वो चेंज हो रही, कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन डरिएगा नहीं, नमक होता है, नमक जो आँच के संपर्क में जाता है ना तो चटकता है, तो उसी वजह से कलर थोड़ा सा चेंज करता है। देखिए, सूख गया, तो आप देख सकते हो नमक की एक पतली सी लेयर लग गई है, जिसकी वजह से अब हमारा कुकर या पतीला जिसमें भी आप लगाएंगे वो काला नहीं पड़ेगा और बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। देखिए, हल्का हल्का सा इसमें कालापन था कुकर में, हमने अपनी लगा कर रखा है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, अगर नमक लगाते हैं आप, ठीक है, तो आपका कुकर साफ बहुत जल्दी होगा। सबसे बेस्ट तरीका यह है, तो कुकर को ठंडा हो जाने दें, मतलब पूरी तरह से ठंडा ना होने दें, गुनगुना रहे तब आप करिएगा। देखिए, इसमें ये अभी इस समय बहुत ज़्यादा गर्म है, भाप निकल रही है, वो हमको वीडियो में शूट करना था, वीडियो दिखानी थी, इसलिए हमने जल्दी से जल्दी साफ़ कर लिया, मगर ऐसा ना करिए। हल्का सा ठंडा हो जाए, हाथ ना जलाइए, हाथ जलाने के लिए नहीं कह रहे हैं हम, तो कुकर हल्का सा ठंडा हो जाए, उसके बाद स्क्रब कर दीजिए इस तरह से, चाहे कुकर हो, पतीला हो, कुछ भी हो, भगोना हो, कुछ भी हो,
जो इस्तेमाल करते हो। अब इसे वॉश करते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस, हमने वॉश कर लिया और देखिए जो पीलापन हल्का सा भी था वो सारा का सारा निकल गया है। आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखिए, जब हम कप वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो क्या होता है कि कप हमारे बहुत गंदे हो जाते हैं, चाय के दाग पड़ जाते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। कप हमारे पुराने पुराने से लगने लगते हैं। जब कोई गेस्ट आता है तो हमें मजबूरी में नए कप निकालने पड़ते हैं, तो वो ना करना पड़े, नए पुराने कप ही नए जैसे लगें। तो उसके लिए करना ये है, थोड़ा सा देखिए बिल्कुल ज़रा सा लेना है अपना मंजन, जो भी आप टूथपेस्ट करते हो वो ले लेना है, और चुटकी भर नमक ले लेना है, और ये देखिए एक स्पून पानी ऐड कर देना है, और उसके बाद में इसको रब करना है। ये देख सकते हैं इस तरह से हम हाथ से ही रब करेंगे। अभी आपके सामने बकायदा पूरा प्रूफ के साथ दिखाएंगे। जो पानी बचा था एक्स्ट्रा वो हमने दूसरे कप में डाल दिया है, क्योंकि दूसरा पानी नहीं लेना है। नमक जो होता है वो गंदगी को काटता है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि टूथपेस्ट जो होता है वो भी गंदगी को काटता है और हमारे दांतों को साफ़ रखता है। तो दांतों की तरह कप भी हैं, इनको भी अच्छे से साफ़ रखेगा। तो देखिए इस तरह से मल देंगे। मलने के बाद 2-3 मिनट के लिए आप रख दीजिए, छोड़ना चाहें छोड़ दीजिए, वरना इस तरह से मल करके तुरंत वॉश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हमने क्या करना है, तुरंत वॉश कर लेना है। हम आपको तुरंत वॉश करके दिखा रहे हैं, और आप देखिएगा तुरंत वॉश करने पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है। अगर आप 2 मिनट के लिए छोड़ भी देते हो ना कप में मंजन लगा करके, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एकदम चमक जाएंगे। अब देखिए आपके सामने ही हम वॉश कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि हमने कोई दूसरे कप दिखा दिए हैं। लेकिन देखिए एकदम से देख सकते हैं कितना अच्छा अमेजिंग साफ कप हुआ है। आप देख सकते हो जब आप इस तरह से रब करेंगे ना कप को, तो कप से चुट चुट की आवाज़ आएगी, इतना अच्छे से साफ़ हो गया। देखिए इस तरह से जब रब करेंगे ना तो आवाज़ आएगी चुट चुट की, इतना बढ़िया से साफ़ हो गया, एकदम नए जैसे, लग ही नहीं रहा कहीं से कि ये वही पुराने कप हैं जो गंदे गंदे से दिख रहे थे। अभी देखिएगा दूसरा भी कप हमने अच्छे से वॉश कर देना है। ये देखिए, देख सकते हैं साइन कप की, क्या आप कह सकते हो ये कप पुराना वाला है, गंदा वाला कप है। तो देखिए ये रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वीक में एक बार कर लीजिए, बस इतने में ही बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको इस चीज़ से। और ये देखिए पहले जैसे नए हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक, कि आप पॉलीथीन से बर्तन कैसे धुलेंगे। देखिए जब क्या होता है गाइस, कभी कभी हम लेडीज़ किचन में काम करते हुए या तो जल जाती हैं या कट जाती हैं, तो उसमें क्या होता है निरमा या डिटर्जेंट पाउडर बहुत ज़्यादा हमारे हाथ में लगता है। तो उसके लिए करना क्या है, इस तरह से एक साफ़ पॉलीथीन ले लेनी है, और एक हाथ में लगाने मतलब बालों में लगाने वाली एक रबड़ ले लेनी है, या मिठाई के डिब्बे पर लगती है जो रबड़, वो ले लेनी है। चूड़ियों को बाहर करना है इस तरह से, और देखिए ये जो हमारे पास रबड़ है इसको हम इस तरह से अपने हाथ में पिरो देंगे। अब देखिए रबड़ की सहायता से क्या होगा, पॉलीथीन वहीं पर रुकी रहेगी, और हाथ के पंजे को अच्छे से फैला लेना है, जिससे कि हमारा हाथ का पंजा अच्छे से मुड़ सके। और आप देखिए कितने ढेर सारे बर्तन हैं जिनको हमने वॉश करना है, और ये देखिए सारे जूठन हमने धुल लिए थे पहले ही। और आप देखिए इस तरह से गाइस, ये हमारे चोट लग गई थी, यानी हाथ कट गया था थोड़ा सा, तो हमने सोचा चलो देखिए आप कपड़े तो धो सकते हो, 1-2 दिन बाद भी धो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बर्तन आपको रोज़ के रोज़ धुलने होते हैं। अगर आप रोज़ के रोज़ नहीं धुलोगे तो खाना किसमें दोगे, इसलिए ठीक है। तो बर्तन को अब देखिए, अगर आप सिंक से देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप जूना नहीं पकड़ना चाहते, मतलब जिससे बर्तन धुलते हैं वो नहीं पकड़ना चाहते, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल पन्नी से ही अपने बर्तन धुल सकती हैं। ये देख सकते हैं, तो हुआ ना, हमने हाथ तो नहीं लगाया, पन्नी से ही बर्तन धुले, मगर बहुत अमेजिंग धुले हैं, यानी स्क्रबर की भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो फटाफट से हमने, आप कुछ लोग कहेंगे ग्लव्स ले सकते हैं, तो ग्लव्स से उतनी अच्छे से सफाई नहीं होती जितनी अच्छे से पन्नी की सफाई होती है। अगर आपने हाथ में स्क्रबर नहीं लिया है, फिर भी पन्नी से बर्तन इतने अच्छे से साफ़ हो जाते हैं कि आप जान नहीं सकते हैं। तो देखिए सारे बर्तन हमने धुल ली मतलब माँज लिए हैं, अब इन्हें हम वॉश करेंगे। तो अब देखिए हमने रबड़ लगा रखी है, इसकी वजह से हमारे अंदर पानी नहीं जाएगा हाथ के अंदर, और हमारे हाथ सुरक्षित रहेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम सारे बर्तन धुल लेंगे। एक बात और गाइस, अगर हमारी ये ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी ट्रिक्स कैसी लगती हैं। अब ये देख सकते हैं सारे के सारे बर्तन धुल चुके हैं एक पन्नी से ही, अब देख सकते हैं। और चलिए हाथ दिखा देते हैं आपको कि कितना ड्राई हाथ हमारा निकला है, बिल्कुल भी पानी नहीं है हाथ में। जो थोड़ा बहुत गीला लगेगा आपको, ये देखिए थोड़ा बहुत उंगलियां गीली लग रही हैं, तो वो क्यों लग रही हैं, क्योंकि जब हम पॉलीथीन के अंदर हाथ अपना बंद कर देंगे ना, तो ऊपर से ठंडा पानी पड़ेगा, अंदर हाथ गर्म रहेगा, उसकी वजह से भाप बनेगी हाथ में, तो पसीना आएगा, इस वजह से हाथ जो आपको थोड़ा सा नम जैसा दिखेगा, बाद बाकी कुछ नहीं होता है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। मिलते हैं।